हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, ये सब मैं डिस्कस कर चुका था डिटेल में। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर टू इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया, जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं यूनिपेरेंटल होते हैं। इनमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है, गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस नहीं करता है। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होता है दैट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स से आइडेंटिकल होता है, जिसको आप क्लोन कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स दैट यू क्लोन। तो क्लोन फॉर्मेशन होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन राइट इज वेरी एसेंशियल। गैमेट फॉर्मेशन के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। इसके अलावा इट कैन बी यूनिपेरेंटल और बाईपेरेंटल। ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाईपेरेंटल भी हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, या आप ये कहिए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सेम इंडिविजुअल जो है दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है, मेल भी और फीमेल भी। तो ये इन दैट केस कैन बी यूनिसेक्सुअल और इट कैन बी सॉरी इट कैन बी यूनिपेरेंटल और इट कैन बी बाईपेरेंटल। यानी कि यहाँ पे टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बी रिक्वायर्ड और इन और मे बी वन इंडिविजुअल विल बी इनफ, बट द सेक्स विल ऑलवेज टू डिफरेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सेक्स जो होंगे वो दो डिफरेंट सेक्स रिक्वायर्ड है ही, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स, ये कंपल्सरी है। एग्जैक्टली तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लिसन केयरफुली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे गैमेट फॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल। बिना गैमेट फॉर्मेशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। गैमेट फॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन या गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस करता है। इसमें क्लोन जो होते हैं अब्सेंट होते हैं, क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता, राइट। द इंडिविजुअल इज नॉट जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, दे आर डिसिमिलर, यानी कि इनमें डिसिमिलैरिटी देखी जाती है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्लोन अब्सेंट होते हैं, इट मीन्स दे आर not identical to the parents, they are not exact copy to parents, तो parents के लिए exact copy नहीं होते। इसके अलावा इनमें variation देखा जाता है, जहां sexual reproduction होगा वहां variation होगा ही होगा। sexual reproduction में right male and female राइट दोनों के जेनेटिक मेटल, मदर और फादर दोनों के जेनेटिक मेटल मिक्स हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करता है, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे वेरिएशन डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, वेरिएशन डेवलप हो जाता है। तो वेरिएशन डेवलप होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इट कैन बी यूनिपेरेंटल, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस दिस इज यूनिपेरेंटल, बट इट कैन बी बाईपेरेंटल ऑल्सो, सॉरी इन मेजोरिटी ऑफ केसेस दिस इज मेनली बाईपेरेंटल, बट इन सम केसेज, इन वेरी फ्यू केसेज, इट कैन बी यूनिपेरेंटल ऑल्सो। ऑर्गेनिज्म कैन बी दी हर्मेफ्रोडाइट और दी बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे यूनिपेरेंटल हो सकते हैं और ये इवन बाइपेरेंटल भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर यू गेटिंग? अब हम बात करते हैं फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो मेजर फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फेजेस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, आफ्टर दैट आई विल कम टू द फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल,
लाइफ साइकिल की जो मेजर फेजेस होती हैं, सबसे पहले जुवेनाइल फेज होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होती है, एंड लास्ट वन इज सेंसेंट फेज। देयर आर थ्री मेन फेजेस ऑफ लाइफ, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड द सेंसेंट फेज। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पॉसिबल नहीं है कि इफ ऑर्गेनिज्म विल गेट बोर्न, अगर वो पैदा हो जाता है तो पैदा होते ही राइट वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर देता है। देर इज नो ऑर्गेनिज्म विच विल स्टार्ट द रिप्रोडक्शन जस्ट आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद ही कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को एक फेज में एंटर करना पड़ता है, एक मेच्योरिटी अटेन करनी पड़ती है। जब इंडिविजुअल सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी अटेन कर लेता है, तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, खासकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्ट आफ्टर बर्थ टेक प्लेस नहीं कर सकता है, राइट। उस ऑर्गेनिज्म को अटेन करनी पड़ती है एक मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी आप जिसको बोलते हैं। एक मेच्योरिटी अटेन करने के बाद ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस ह्यूमंस, राइट। जब तक वो एक मेच्योरिटी को अटेन नहीं करेगा तब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को टोटल, यहाँ पे लाइफ साइकिल को इस हिसाब से थ्री फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड द सेंसेंट फेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जुवेनाइल फेज, सो लिसन केयरफुली अबाउट जुवेनाइल फेज। इसको आप वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज इन केस ऑफ प्लांट्स, बट इन केस ऑफ एनिमल्स दिस इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। दिस फेज इज फर्स्ट फेज, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ एंड इट दिस फेज कम आफ्टर द बर्थ, दिस फेज विल कम आफ्टर द बर्थ एंड दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ। तो यहां पे जो जुवेनाइल फेज है या जो वेजिटेटिव फेज है, दिस इज द फेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे जनरली ग्रोथ टेक प्लेस करती है और इसको आप ग्रोथ फेज भी कहते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्सुअली मेच्योर नहीं होता है, राइट, ये पॉइंट आप लिखिएगा, नो सेक्सुअल मेच्योरिटी, यहाँ पे कोई मेच्योरिटी नहीं होती है एंड दिस इज द फर्स्ट फेज और द अर्लियर फेज ऑफ द लाइफ। ये लाइफ का फर्स्ट फेज और अर्लियर फेज ऑफ लाइफ है, राइट। इसमें क्या होता है, इस फेज में ऑर्गेनिज्म विल नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो यहां पे ऑर्गेनिज्म विल नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, इस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होता है, जुवेनाइल फेज में, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहां पे राइट, ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन में भी वेरी, ये हमेशा वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज की ड्यूरेशन कॉमन नहीं हो सकती है एंड इट इज ऑलवेज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो ड्यूरेशन है सभी ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑलवेज वेरी, हमेशा ड्यूरेशन वेरी करती है इन केस ऑफ जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद नेक्स्ट फेज इज इन केस ऑफ जुवेनाइल फेज और द वेजिटेटिव फेज, ये पॉइंट और लिखिएगा, इन प्लांट्स, प्लांट्स में इसे आप वेजिटेटिव फेज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। सो दिस इज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये एक वेजिटेटिव फेज होती है, इज दैट क्लियर। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट फेज दैट वी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज, ध्यान दीजिए। रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में ऑर्गेनिज्म अटेन सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड ऑर्गेनिज्म बिकम कैपेबल टू रिप्रोड्यूस यंग वंस। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल हो जाता है यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए और ये जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन कर लेता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो रिप्रोडक्टिव फेज में ऑर्गेनिज्म अटेन सेक्सुअल मेच्योरिटी, ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन कर लेता है एंड ऑर्गेनिज्म बिकम कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैपेबल बन जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू रिप्रोड्यूस।
राइट, और ऑर्गेनिज्म अटेन सेक्सुअल मेच्योरिटी। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करता है और कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ऑर्गेनिज्म बिकम कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, राइट। इसके अलावा तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अटेन दी सेक्सुअल मेच्योरिटी, ऑर्गेनिज्म बिकम कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में है या नहीं, राइट? देखिए, ऑर्गेनिज्म को ये तो पता ही चल गया आपको कि ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करने के लिए एक मेच्योरिटी अटेन करनी पड़ती है, लेकिन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस कि ये पर्टिकुलर प्लांट रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव फेज में है या नहीं, या ये एक पर्टिकुलर एनिमल इसकी रिप्रोडक्टिव फेज में है या नहीं? तो रिप्रोडक्टिव फेज के भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव फेज की अगर मैं बात करूँ, इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स शो फ्लावरिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, राइट। एनिमल्स में भी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स में जो होते हैं जनरली वो फ्लावरिंग को शो करते हैं। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर प्लांट्स में आप फ्लावरिंग देख रहे हैं तो इट मीन्स दे आर रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि दे आर इन रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। सो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स शो फ्लावरिंग। रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग शो करते हैं। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स शो फ्लावरिंग, प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग शो करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। तो रिप्रोडक्टिव फेज, एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स शो फ्लावरिंग, और प्लांट्स को आप टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये जो प्लांट्स होते हैं ये मे बी मोनोकार्पिक और मे बी पॉलीकार्पिक, तो टू मेजर टाइप्स में आप डिवाइड करते हैं प्लांट्स को फ्लावरिंग पैटर्न के बिहाफ पे, राइट। अगर हम मोनोकार्पिक प्लांट्स की बात करें, देखिए तो मोनोकार्पिक प्लांट्स उन्हें कहेंगे जो कि पूरी लाइफ में एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एंड आफ्टर फ्लावरिंग दे इवन बिकम डाई ऑल्सो, तो ये मर भी जाते हैं फ्लावरिंग के बाद, राइट। तो ये जो मोनोकार्पिक प्लांट है शो फ्लावरिंग ओनली वंस इन लाइफ, लाइफ में एक बार ही ये फ्लावरिंग को शो करते हैं, राइट। दीज कैन बी एनुअल प्लांट, ये एनुअल प्लांट भी हो सकते हैं, राइट, यानी कि एक सीजन में ग्रो करने वाले जो प्लांट है एनुअल प्लांट है, तो एनुअल प्लांट भी हो सकते हैं। एनुअल प्लांट का एग्जाम्पल, यानी कि इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वीट, राइस, मैरीगोल्ड या मैरीगोल्ड। तो वीट, राइस, मैरीगोल्ड ये एनुअल प्लांट है। कुछ प्लांट इसमें बायनियल प्लांट भी होते हैं, यानी कि जिनको फ्लावरिंग करने के लिए टू सीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बायनियल प्लांट्स में जैसे कि कैरेट, राइस, ये सब हैनबेन, हैनबेन ये सब बायनियल प्लांट है, यानी कि इनको टू सीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग को शो करने के लिए। तो ऐसे फ्लावर जो कि लाइफ में बस एक ही बार, ऐसे प्लांट जो कि लाइफ में बस एक ही बार फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं उसे आप मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है? मोनोकार्पिक प्लांट। कुछ और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं मोनोकार्पिक प्लांट के, राइट। जैसे कि एक प्लांट होता है जिसको आप कहते हैं बैम्बू, बैम्बू ट्री शो फ्लावरिंग वंस इन लाइफ। बैम्बू जो ट्री है ये फ्लावरिंग शो करता है वंस इन लाइफ, यानी कि लाइफ में बस एक बार ही ये फ्लावरिंग शो करता है। इज दैट क्लियर? वंस इन लाइफ, राइट, आफ्टर 50 टू 100 ऑफ इयर्स, एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग द फ्लावर इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड आफ्टर दैट इट बिकम डाई। ये जो है उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे अगर हम प्लांट की बात करें तो ऐसे प्लांट्स में सिर्फ दो ही फेज देखे जाते हैं लाइफ साइकिल में जनरली, है ना। अगर आप इस पैटर्न की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बाद अगर कोई प्लांट तुरंत ही डेड हो जाता है, तो यहाँ पे मेजर जो फेजेस हैं वो एक तो जुवेनाइल फेज होगा और दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए
नेक्स्ट इज कुछ एग्जांपल्स और देखिए, बैम्बू ट्री शो द फ्लावरिंग वंस इन लाइफ, ये भी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग को शो करता है, ये भी एक मोनोकार्पिक प्लांट है, राइट right. तो यहां पे ये फ्लावरिंग को एक बार शो करता है, इज दैट क्लियर? प्रोड्यूस फ्लावर, प्रोड्यूस फ्लावर्स आफ्टर 50 to 100 ऑफ ईयर, 100 ईयर्स, तो 50 से 100 साल में बैम्बू ट्री एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, राइट? आफ्टर फ्लावरिंग प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, ये काफी सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है फ्लावरिंग के बाद, व्हेन इट विल प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड इट बिकम डाई, आफ्टर दैट इट विल बिकम डाई। तो जो बैम्बू ट्री है आफ्टर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स इट बिकम डाई, तो ये जो है डाई आउट हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के बाद, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के बाद 50 to 100 ऑफ ईयर्स में ये एक बार फ्लावरिंग और एक बार फ्रूटिंग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैम्बू ट्री के बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है, स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना। तो स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना इसको आप नील कुरंजी भी कहते हैं, दी अनदर नेम ऑफ दिस नील कुरंजी, तो साइंटिफिक नेम भी इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना। तो स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना जिसको आप नील कुरंजी बोलते हैं, ये एक एंडेंजर्ड प्लांट भी बन चुका है, नाउअडेज दिस इज ऑल्सो एन एंडेंजर्ड प्लांट, राइट? ये जो है ये भी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस फ्लावर्स आफ्टर 10 to 12 ईयर्स, यानी कि 10 से 12 साल बाद ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है, एंड इसके जो फ्लावर होते हैं राइट जनरली ब्लू पैचेस डेवलप कर देते हैं जिस हिली ट्रैक में सर्वाइव करता है ये प्लांट, राइट? एंड इट अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो, तो ये टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना नील गुरंजी प्रोड्यूस फ्लावर्स आफ्टर 10 to 12 ईयर्स, तो 10 से 12 साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, लास्ट टाइम प्रोड्यूस इन सितंबर 2006, राइट? ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसके बाद भी इन्होंने प्रोड्यूस किए होंगे, 2006 बहुत लंबे टाइम पहले की बात है, राइट? तो यहां पे 10 टू 12 ईयर्स में ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्लांट है दिस प्लांट मेनली ग्रो इन हिली एरियाज ऑफ सदर्न इंडिया, ये सदर्न इंडिया के हिली एरियाज में ग्रो करता है, जैसे कि केरला कर्नाटका एंड इवन तमिलनाडु, ठीक है? तो ये ऐसी ऐसी जगह पे ग्रो करता है, राइट? और 10 से 12 साल में एक बार ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे मोनोकार्पिक प्लांट के। इसके बाद मैं पॉलीकार्पिक प्लांट की बात करता हूं। पॉलीकार्पिक प्लांट्स की अगर बात करें तो जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स है ये पॉलीकार्पिक प्लांट्स शो दी फ्लावरिंग रिपीटेडली आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, एक इंटरवल के बाद ये रिपीटेडली फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करता है, यानी कि इनमें सीजनली फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, राइट? और रिपीटेडली फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, तो ये पॉलीकार्पिक प्लांट है। तो पॉलीकार्पिक प्लांट दे शो फ्लावरिंग रिपीटेडली, ये रिपीटेडली फ्लावरिंग को शो करते हैं, दे शो फ्लावरिंग रिपीटेडली आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ये रिपीटेडली जो है फ्लावरिंग को शो करते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। इसके काफी सारे एग्जांपल हैं, देखा होगा आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो,
jackfruits, grapes and so on. ये सब पॉलीकार्पिक प्लांट से दे शो फ्लावरिंग रिपीटेडली आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद ये फ्लावरिंग को बार बार शो करते हैं। तो ये हो गए पॉलीकार्पिक प्लांट्स। क्या हो गए? पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो ये हो गया आपका किस तरीके से आप रिप्रोडक्टिव फेज को आइडेंटिफाई करेंगे, किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में। दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड इफ यू विल सी द फ्लावर्स ऑन द राइट, फ्लावर्स इन केस ऑफ प्लांट इट मीन्स दे आर इन रिप्रोडक्टिव फेज, वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में है। इज दैट क्लियर? एक प्लांट जिसका नाम है चाइना रोज, उसमें पूरी साल फ्लावर देख सकते हैं आप, राइट? कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं वो थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप चाइना रोज लिख लीजिएगा। चाइना रोज में दे शो फ्लावरिंग थ्रू आउट ईयर, ये पूरे साल थ्रू आउट ईयर दे शो फ्लावरिंग थ्रू आउट ईयर, पूरे साल फ्लावरिंग को शो करता है चाइना रोज। तो ये राइट आपके पॉलीकार्पिक प्लांट है एंड ए मेजोरिटी ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट आर पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ यू विल आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्टिव फेज इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में आप रिप्रोडक्टिव फेज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, राइट? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो एनिमल्स को यहाँ पे हम टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज सीजनल ब्रीडर एंड अदर इज कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो एक यहाँ पे सीजनल ब्रीडर होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, लिसन केयरफुली। तो वन इज सीजनल ब्रीडर, अदर इज कंटिन्यूअस ब्रीडर। देखिए प्लीज, एनिमल्स को हम टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, राइट? सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में क्या डिफरेंस है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यानी कि सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर मतलब यानी कि वो एक फेवरेबल सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स का भी एक फेवरेबल सीजन होता है, हर एनिमल्स का फेवरेबल सीजन अलग अलग है। तो जो फेवरेबल सीजन में रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं उसे आप सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। They reproduce in favorable season. ये एक favorable season में reproduction करते हैं जिनको आप seasonal breeder कहते हैं। Continuous breeders, they reproduce in any season. यहाँ पे seasonal barrier नहीं है, किसी भी season में produce करते हैं, reproduction करते हैं। So that's why these are called continuous breeder. तो सीजनल ब्रीडर जो कि एक फिक्स सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर जो कि किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं थ्रू आउट ईयर, वो जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट ईयर, ये पूरे साल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते हैं, जबकि कंटिन्यूअस ब्रीडर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट ईयर, पूरे साल वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स में जनरली कुछ साइकिल देखी जाती है, सीजनल ब्रीडर्स में ईस्ट्रस साइकिल देखी जाती है, राइट? वहीं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट? बात समझ में आ रही है? यहां पे कंटिन्यूअस ब्रीडर से एग्जांपल्स में आते हैं कुछ प्राइमेट्स लाइक मंकी,
एप्स, गिब्बन एंड इवन ह्यूमन, ये सब प्राइमेट्स हैं, राइट? प्राइमेट्स कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। वहीं एक्स्ट्रा साइकिल्स इन एनिमल्स में होती हैं, वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, लाइक डॉग, कैट, रैट, काउ, ये सब सीजनल ब्रीडर्स हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स वो जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते हैं, दे जनरली शो एक्स्ट्रा साइकिल एंड दीज आर नॉर्मली नॉन प्राइमेट्स, ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं। वहीं जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल को शो करते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होती है। इज दैट क्लियर? एक चीज आप और लिखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इन विच हैविंग सर्टेन इवेंट्स ऑफ, इसमें कुछ चेंजिंग इवेंट्स रहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली एनिमल प्राइमेट्स में होती हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल राइट, फीमेल प्राइमेट्स प्रोड्यूस ओवम वंस इन ए मंथ, एक महीने में एक बार एक ओवम प्रोड्यूस करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये साइक्लिक चेंजेस हैं, रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंजेस, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के एवरी मंथ में एक ओवम प्रोड्यूस करते हैं फीमेल प्राइमेट्स, तो याद रहे आपको उसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। प्लांट्स में जनरली आप फ्लावरिंग की हेल्प से रिप्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनिमल्स में सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर, ये साइकिल्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो है आपका ईस्ट्रा साइकिल। तो ये हो गया आपका अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये हो गया जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेंसेंट फेज की, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू मस्ट अंडरस्टैंड। देखिए इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला जो इवेंट है, इवेंट नंबर वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्राइटेरिया है, एक करेक्टर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन कंपल्सरी है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कंपल्सरी इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वहां पे जब जायगोट फॉर्मेशन हो जाती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो जेनेसिस, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट, यानी कि फोर्थ फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दीज थ्री इवेंट्स। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं, उसके बाद नंबर टू इज फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड नंबर थ्री इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो देयर आर मेनली थ्री इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहां पे जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दिस इवेंट इंक्लूड, इट इंक्लूड्स नंबर वन गैमेटोजेनेसिस, इसमें गैमेटोजेनेसिस इंक्लूड होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नंबर टू इज गैमेट ट्रांसफर, तो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर टू मेजर स्टेप्स टेक प्लेस इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नंबर वन इज गैमेटोजेनेसिस, तो बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट यू कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, दैट यू कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट यू कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट।
तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बनने का जो प्रोसेस है इसे आप गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इन ह्यूमन बींग मेल गैमेट को आप स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल गैमेट को आप ओजेनेसिस कहते हैं। तो ह्यूमन बींग में दो टाइप के गैमेटोजेनेसिस देखे जाते हैं, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में ओजेनेसिस। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। इन ह्यूमन बींग जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो टाइप्स के हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस देखा जाता है किसमें, मेल्स में, वहीं ओजेनेसिस देखा जाता है किसमें, फीमेल में, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बींग। गैमेटोजेनेसिस इज वेरी एसेंशियल इवेंट फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, राइट। गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स का कुछ क्राइटेरिया होते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, दिस इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। कोई भी गैमेट डिप्लोइड नहीं होता है, गैमेट्स आर मेनली हैप्लोइड। ये बात आपको याद रखनी, तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड होते हैं, राइट। जायगोट हमेशा डिप्लोइड होते हैं। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड, यानी कि गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लोइड का मतलब क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने भी गैमेट्स होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लोइड हो या हैप्लोइड हो, लेकिन गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड ही होंगे। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड है तो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, राइट, वो भी क्या होगा, गैमेट जो फॉर्मेशन होंगे वो भी हैप्लोइड होंगे, राइट। तो यहां पे हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लोइड गैमेट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू माइटोसिस। ये बात आपको याद रखनी है। इन हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म, जो हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फंजाई या फिर एल्गी, कुछ हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं फंजाई या एल्गी, राइट, उनमें जो है गैमेटोजेनेसिस बाय माइटोसिस प्रोसेस। तो माइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस करता है हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म में। कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। तो डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस बाय मियोसिस प्रोसेस। सो इन डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस मियोसिस प्रोसेस के थ्रू टेक प्लेस करता है। इन हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है, यानी गैमेट फॉर्मेशन जो है, वो माइटोसिस से टेक प्लेस करता है। तो गैमेट हमेशा हैप्लोइड, अगर हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म होगा और वो हैप्लोइड ही गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी क्रोमोसोम नंबर इक्वल इन ऑर्गेनिज्म एंड इन गैमेट्स, इट मींस इन दैट केस माइटोसिस विल टेक प्लेस। बट इन केस ऑफ डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म गैमेट्स विल बी हैप्लोइड एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। इट मींस क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस एंड रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिजल्ट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ओनली ड्यू टू द प्रोसेस दैट यू कॉल्ड मियोसिस प्रोसेस। तो डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस प्रोसेस से गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, राइट। एंड द सेल विच अंडरगोज इन मियोसिस दैट यू कॉल्ड मियोसाइट सेल। ये बात और याद रखनी है आपको, एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम। सेल अंडरगोज इन मियोसिस, जो कि मियोसिस करती है। मियोसिस सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के लिए ही रिक्वायर्ड होता है, और किसी भी प्रोसेस में मियोसिस की जरूरत नहीं है। जहां गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे मियोसिस हो रहा है, राइट। और अदर केसेस में मियोसिस टेक प्लेस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर गैमेट फॉर्मेशन। एंड व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड फॉर गैमेट फॉर्मेशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गैमेट मियोसिस प्रोसेस, दैट आई विल टेल यू। तो यहां पे सेल अंडरगोज इन मियोसिस कॉल्ड म्योसाइट। ऐसी सेल जिसको, जो कि म्योसिस करती है, उसको म्योसाइट कहते हैं, या गैमेट मदर सेल भी कहा जाता है, या फिर गैमेट मदर सेल भी कहते हैं वो सेल जो कि म्योसिस परफॉर्म करती है, राइट, उसको आप म्योसाइट कहते हैं या फिर गैमेट मदर सेल कहते हैं। तो जो गैमेट मदर सेल होती है, राइट, या म्योसाइट होती है, वो डिप्लोइड होती है, लेकिन वो हैप्लोइड सेल प्रोड्यूस करती है। सो सेल विच अंडरगोज इन मियोसिस, द डिप्लोइड सेल विच अंडरगोज इन मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लोइड सेल, दैट यू कॉल गैमेट मदर सेल्स, और यू कैन से इवन म्योसाइट। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन गैमेटोजेनेसिस, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस,
मियोसिस प्रोसेस आपने डिटेल में पढ़ा होगा 11th क्लास में, गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए आपको पता होना चाहिए राइट, हमेशा जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रीस्टोर होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन रीस्टोर होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पेरेंट्स के पास जो क्रोमोसोम नंबर है, या फिर ये बात अगर फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसमें पेरेंटल जनरेशन में जितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। सपोज दैट अगर यहां पे पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है राइट, और यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो डिप्लॉयड पेरेंट्स अगर डिप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो अगली जनरेशन में जब वो दोनों गैमेट्स, दो डिप्लॉयड गैमेट्स फ्यूजन करेंगे तो कंडीशन टेट्राप्लॉयड हो जाएगी, यानी कि एवरी जनरेशन में क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ते जाएंगे अगर डिप्लॉयड प्रोसेस होगा। तो यहां पे रिडक्शन प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, मियोसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मियोसिस क्या करता है, रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर। तो वो गैमेट्स में क्रोमोसोम्स को हाफ कर देता है और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉयड कंडीशन फिर से डेवलप हो जाती है। तो ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए मियोसिस इज वेरी एसेंशियल। इफ मियोसिस विल नॉट टेक प्लेस इन दैट केस, इफ डिप्लॉयड गैमेट विल प्रोड्यूस एंड बोथ द डिप्लॉयड गैमेट विल फ्यूज, देन क्रोमोसोम नंबर विल इंक्रीज बाय एवरी जनरेशन, क्रोमोसोम नंबर विल बी डबल बाय एवरी जनरेशन राइट, एंड दैट कैन नॉट पॉसिबल इन नेचर। तो यहां पे इन दैट केस रीस्टोरिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर डिपेंड्स ऑन द मियोसिस प्रोसेस। इफ हैप्लोइड, टू हैप्लोइड गैमेट्स विल प्रोड्यूस एंड हैप्लोइड गैमेट्स विल फ्यूज इन नेक्स्ट जनरेशन डिप्लॉयड कंडीशन, एंड इन नेक्स्ट जनरेशन डिप्लॉयड पेरेंट्स अगेन विल प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट्स, एंड व्हेन हैप्लोइड गैमेट्स विल फ्यूज अगेन डिप्लॉयड कंडीशन विल डेवलप। सो जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर के रीस्टोर करने के लिए, क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करने के लिए मियोसिस प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल। आर यू गेटिंग? तो यहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस क्या है, एक रिडक्शन डिवीजन है, और रिडक्शन डिवीजन यानी कि हैप्लोइड कंडीशन यहां पे डेवलप होती है। जब हैप्लोइड गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो यहां पे डिप्लॉयड यंग वंस प्रोड्यूस होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज एसेंशियल फॉर रीस्टोरिंग द क्रोमोसोम नंबर्स। तो क्रोमोसोम नंबर्स को रीस्टोर करने के लिए यहां पे ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बहुत जरूरी है, एंड ये रिडक्शन डिवीजन है राइट। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन राइट इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन टू जनरेशन, ये भी आप कह सकते हैं हेल्प्स टू मेंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में हैप्लोइड साइकिल, हैप्लोइडिक साइकिल, डिप्लोइडिक साइकिल, हैप्लोडिप्लोइडिक साइकिल। मैंने बताया कि यहां पे जो ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड होते हैं वो हैप्लोइड प्रोसेस से गैमेट फॉर्मेशन करते हैं राइट। हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट्स बाय माइटोसिस प्रोसेस राइट। तो जो हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली वो माइटोसिस प्रोसेस से गैमेट तो फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट फ्यूज होने के बाद वो डिप्लोइड जाइगोट बनाते हैं राइट। अब डिप्लोइड जाइगोट से वहां पे ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म में जनरली जाइगोटिक मियोसिस देखा जाता है राइट। ये बात आपको याद रखनी है, इन हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में आपने पढ़ा होगा, हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि जाइगोट अंडरगोज इन मियोसिस डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट्स, एग्जैक्टली हैप्लोइड स्पोर्स, एंड स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंजाई, न्यू एल्गी राइट, दैट विल बी हैप्लोइड। तो ये हो गया आपका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। अभी एक चीज और, यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स जो होते हैं, एक होते हैं होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स को आप आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं हिट्रोगैमेट्स, एंड आइसोगैमेट्स भी कह सकते हैं इनको। हम आइसोगैमेट्स की बात करते हैं, आइसोगैमेट्स इट मींस ऐसे गैमेट्स, गैमेट्स जनरली दो टाइप के होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो यहां पे जो आइसोगैमेट है इसमें आप मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, यानी कि बहुत आर सिमिलर, यानी कि दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं।
वो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस उनकी सिमिलर होती है, सेम होती है, अगर वो एक जैसे दिखाई देंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ऐसे गैमिट्स को आप होमोगैमिट या आइसोगैमिट्स कहते हैं। तो आइसोगैमिट्स यानी कि आइसो मीन सिमिलर, राइट, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमिट्स, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमिट्स है, राइट, एंड इनको यू कैन नोट, वी कैन नोट डिस्टिंग्विश कि कौन सा मेल गैमिट है और कौन सा फीमेल गैमिट है, ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ऐसे गैमिट्स को आप आइसोगैमिट्स कहते हैं। आइसोगैमिट्स जो जनरली देखे जाते हैं कुछ एल्गीज में देखे जाते हैं, इवन कुछ फंजाई में भी देखे जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आइसोगैमिट्स। ऐसे ही होते हैं हेटरोगैमिट्स, जैसे कि आइसोगैमिट मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, सपोज दैट यहां पे ये एक फीमेल गैमिट है, राइट, और यहां पे ये एक मेल गैमिट है। तो यहां पे देखिए आप दोनों गैमिट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, राइट, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर है दोनों, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा मेल कौन सा फीमेल। तो अगर दोनों गैमिट्स, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों ही सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, दैट यू कॉल आइसोगैमिट्स, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, लिसन केयरफुली, नेक्स्ट इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेटरोगैमिट्स की मैं बात कर रहा हूं, देखिए प्लीज। ध्यान दीजिएगा, हेटरोगैमिट्स देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज हेटरोगैमिट्स। हेटरोगैमिट्स हेटरोगैमिट्स मतलब मॉर्फोलॉजिकली जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ऐसे गैमिट्स विच आर डिसिमिलर जनरली, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, उसमें दोनों को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल गैमिट्स, सच गैमिट्स आर कॉल्ड हेटरोगैमिट्स। तो हेटरोगैमिट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमिट्स, ऐसा गैमिट जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, ऐसे गैमिट्स को आप हेटरोगैमिट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में मेल गैमिट जिसको आप क्या कहते हैं, स्पर्म, दिस इज वेरी स्मॉलर इन साइज, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, एंड फीमेल गैमिट्स दैट यू कॉल्ड ओवम, दिस इज वेरी लार्जर इन साइज, राइट, इवन कभी कभी फीमेल गैमिट मेल गैमिट से 1000 times लार्जर देन मेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स में भी 1000 times लार्जर देन मेल गैमिट्स, राइट, इतने भी बड़े होते हैं। तो यहां पर आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेल गैमिट है कौन सा फीमेल गैमिट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्पर्म एंड दिस इज राइट ओवम, तो ये ओवम है और ये स्पर्म है, तो ये मेल गैमिट है फीमेल गैमिट है, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, राइट, यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश। तो इसे आप, ये हेटरोगैमिट्स का एग्जांपल हो गया। ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटरोगैमिट्स। तो यहां पे स्पर्म स्मॉलर इन साइज, ओवम लार्जर इन साइज, राइट, तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, तो ये हो गया आपका हेटरोगैमिट्स। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका टाइप ऑफ, टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स, वन इज आइसोगैमिट, अनदर इज हेटरोगैमिट्स। तो यहां पे एक पॉइंट और लिखिएगा आप, दीज आर नॉट कैन इजिली डिस्टिंग्विश, इनको आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैन इजिली डिस्टिंग्विश, इन गैमिट्स को आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी की हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप सेक्सुअलिटी को कैसे बता सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये पॉइंट और याद रखिएगा। नेक्स्ट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अगर सेक्सुअलिटी की बात करें, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म एक मेल होता है और फीमेल होता है, राइट। इनको आप कैसे डिसाइड करेंगे? कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि दोनों एक इंडिविजुअल में ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो सकते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी होता है कि ये जो सेक्स हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो सेपरेट इंडिविजुअल में है। अगर सेपरेट इंडिविजुअल में है तो क्या कहेंगे, अगर एक कॉमन इंडिविजुअल में है तो क्या कहेंगे? तो हम सेक्सुअलिटी की बात करें, तो सबसे पहले मैं सेक्सुअलिटी की बात करता हूँ, जैसे कि ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे खासकर सेक्सुअलिटी इन केस ऑफ फंजाई, एल्गी या ब्रायोफाइट्स, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, इनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनमें एज सच कोई खास डिफरेंशिएशन देखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे इनमें जो सेक्सुअलिटी है वो दो टाइप की है, वन इज होमोथैलिक एंड अनदर इज हेटरोथैलिक। अगर होमोथैलिक की हम बात करें तो होमोथैलिक का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट होमोथैलिक, दिस इज द बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड हेटरोथैलिक दिस इज यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यानी कहने का मतलब ये है, होमोथैलिक का मतलब ये है, यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स और फंजाई में, होमोथैलिक और हेटरोथैलिक, क्योंकि इनमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनमें जो है वेल डेवलप्ड, इनमें जो है डिफरेंशिएशन जनरली नहीं देखा जाता है, राइट। इनमें रूट शूट और स्टेम जैसे, रूट स्टेम और लीव्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, राइट। तो होमोथैलिक मतलब both sex organs, both sex organs in same individual, अगर एक ही individual में दोनों sex organs हैं, that we call homothelic in case of fungi, algae and bryophytes. heterothelic का मतलब कि यहाँ फिर दोनों ही sex organ, both sex organ possess in case of इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन डिफरेंट इंडिविजुअल में है तो उसको आप हेटरोथैलिक बोलेंगे, राइट। इट मींस यहां पे बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में अगर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं, मेल अलग है वहां पे, फीमेल अलग है, दोनों ही अलग अलग है, तो उसे आप हेटरोथैलिक बोलते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में, खासकर फ्लावरिंग प्लांट्स में, प्लांट्स में, राइट, एंजियोस्पर्म्स आप लिखिए, एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअलिटी है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोसियस और डायोसियस, राइट। यहाँ पे प्लांट्स के लिए, खासकर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मोनोसियस और डायोसियस, इवन जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, इन सब में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, मोनोसियस एंड डायोसियस। तो देखिए नेक्स्ट इज, ध्यान दीजिए प्लीज, एंजियोस्पर्म्स में मोनोसियस, दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिसेक्सुअल, एंड डायोसियस, दिस इज द कंडीशन फॉर बाइसेक्सुअल, राइट। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें कि, मोनोसियस मतलब जिसमें कि सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स है, राइट, वहीं डायोसियस मतलब जिसमें कि एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो यहां पे इन केस ऑफ मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट्स में जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको आप बोलते हो स्टेमन, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, स्टेमन, मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि जिसको आप स्टेमन बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, इन केस ऑफ मोनोसियस प्लांट जो मेल सेक्स ऑर्गन है, राइट, मेल सेक्स, ये यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ मोनोसियस प्लांट एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको आप पिस्टिल कहते हैं, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि स्टेमन एंड पिस्टिल, राइट, पॉसेस ऑन सेम इंडिविजुअल, सॉरी, मोनोसियस में डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं, इन्हें आप
मोनोसियस कहते हैं। एक सेकेंड, मोनोसियस एंड डायोसियस, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इसको सही कीजिएगा। मोनोसियस मतलब आपका बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है और डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है। मेक इट करेक्ट, राइट? सो दिस इज राइट, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन, दिस इज बाइसेक्सुअल, एंड डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ध्यान दीजिए, तो स्टेमन एंड पिस्टल, स्टेमन इज मेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टल इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट? एंड ये जो है इन केस ऑफ मोनोसियस पोसेस ऑन सेम इंडिविजुअल, पोसेस इन सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल में पोसेस करते हैं, राइट? वही है डायोसियस, इसके एग्जांपल कुकुरबिट्स ले सकते हैं आप, कुकुरबिट्स, राइट? और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंगो आप ले सकते हैं मोनोसियस प्लांट्स में। इसके अलावा डायोसियस प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो डायोसियस प्लांट्स में स्टेमन जिसको आप मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं एंड पिस्टिल जिसको आप फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, डायोसियस में ये ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होते हैं, ठीक है? और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पपाया, पपाया, डेट पाम, ये सब एग्जाम्पल है डायोसियस प्लांट्स के। Exactly. तो ये एंजियोस्पर्म में आप मोनोसियस डायोसियस इस्तेमाल करते हैं टर्म्स बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल्स के लिए, और वहीं फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में आप हिट्रोथैलिक और होमोथैलिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है। वहीं अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए आप टर्म इस्तेमाल करते हैं हर्मेफ्रोडाइट, यू यूज हर्मेफ्रोडाइट टर्म्स फॉर द टर्म फॉर द बाइसेक्सुअल कंडीशन इन केस ऑफ एनिमल्स, राइट? तो एनिमल्स को भी आप दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, देखिए प्लीज, टू मेजर कंडीशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में जनरली ध्यान दीजिएगा, एनिमल्स भी यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं यानी कि सेपरेट सेक्स ऑर्गन, एंड बाइसेक्सुअल हो सकते हैं यानी कि इनमें सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल्स के लिए आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रोसेस करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, उसे आप हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हर्मेफ्रोडाइट के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स लिख लीजिए, जैसे कि एंट्स हो गया, वास्प हो गया, हनी बीज हो गई, राइट? ये यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स हैं, एटसेट्रा, इवन ह्यूमन बीइंग भी यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है। वही बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट के एग्जांपल्स यहां पे क्या है, जैसे कि लीच हो गया, टेपवर्म हो गया, राइट? लीच, टेपवर्म एंड अर्थवर्म, ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन, तो ये एज ए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लीच, टेपवर्म एंड अर्थवर्म, राइट? ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रोसेस करता है, लेकिन उसमें से एक टाइम में एक ही सेक्स ऑर्गन काम करता है। अगर एक टाइम में एक ही सेक्स ऑर्गन काम कर रहे हैं, मतलब ये है कि या तो वो मेल गैमेट ही प्रोड्यूस करेगा या फिर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक बार में एक ही गैमेट्स, एक ही टाइप के गैमेट्स वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक बार में एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन एक्टिव रहता है। तो हर्मेफ्रोडाइट में भी जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही देखा जाएगा, हर्मेफ्रोडाइट में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि उनके जो दोनों सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे काम करते हैं, कभी वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा या कभी वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, वो अपने बिहेवियर को बदलते रहते हैं, अपने करेक्टरिस्टिक्स को बदलते रहते हैं इवन दोनों सेक्स ऑर्गन होने के बावजूद भी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो हर्मेफ्रोडाइट्स में जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो हर्मेफ्रोडाइट्स में, हर्मेफ्रोडाइट्स शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इवन, राइट? कुछ हर्मेफ्रोडाइट, फॉर एग्जांपल एक हर्मेफ्रोडाइट है जिसका नाम है अमेरिकन ऑस्टर, अमेरिकन ऑस्टर जिसको आप, इसका साइंटिफिक नेम क्रोसस्ट्रिया वर्जिनिका,
क्रोसेस्ट्रिया वर्जिनिका, ये साइंटिफिक नेम है, क्रोसेस्ट्रिया वर्जिनिका, क्रोसेस्ट्रिया वर्जिनिका ये साइंटिफिक नेम है अमेरिकन ओस्टर्स, ये हर्मिफ्रोडाइट है, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को शो करता है। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को एंड द नेक्स्ट ईयर फीमेल गैमेट्स को, ये इस तरीके से राइट अपने जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, राइट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये हर्मिफ्रोडाइट होने के बावजूद भी अगर वो फर्स्ट ईयर मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड ईयर फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस इट विल शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे अमेरिकन ओस्टर फर्स्ट ईयर ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिवली ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, एंड नेक्स्ट ईयर ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये अल्टरनेटिवली गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ये दोनों गैमेट्स को एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो हर्मिफ्रोडाइट में ऐसा देखा जाता है कि दोनों गैमेट्स एक साथ प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इट मींस दे विल नॉट शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एंड इफ बोथ द गैमेट्स विल नॉट प्रोड्यूस टुगेदर, एक साथ प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इट मींस दे विल शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट। इसी के साथ सेक्सुअलिटी इज डन। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड दैट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।